अच्छा, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना ने बीजेपी पर राज्य सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। शिवसेना के एक अखबार में छपा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी विधान परिषद के लिए मनोनीत 12 सदस्यों की नियुक्ति को लटका रहे हैं। शिवसेना का आरोप है कि राज्य सरकार को गिराने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और अक्टूबर तक सरकार गिराने की बात कर रही है। शिवसेना ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार गिराने की बीजेपी की कोशिश कामयाब नहीं होगी। तो सामना में शिवसेना का बीजेपी पर यह निशाना। कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक सरकार गिराने का प्लान बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है, लेकिन वो उसमें नाकाम रहेंगे। अखबार में ये बात छपी शिवसेना के, जिसमें ये कहा गया कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि उनकी सरकार गिर जाए। छड़ी मुबारक यात्रा श्रीनगर से पहलगांव पहुंच गई। ये यात्रा आज सुबह 6 बजे शुरू की गई। पहलगांव पहुंचने के बाद छड़ी मुबारक की पूजा की जाएगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर 21 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा में इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है। साधु संतों के अलावा 55 साल से कम उम्र के श्रद्धालुओं को ही यात्रा की इजाजत दी गई है। बच्चे और बुजुर्ग इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर सकेंगे। इससे पहले अमरनाथ गुफा में पहली आरती आज सुबह ही की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी के अवैध जमीन पर बनाए गए मकानों को तोड़ दिया। कानपुर में पुलिस वालों की हत्या के बाद से यूपी पुलिस एक्शन में है, जिसके तहत कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी के मकान के पास अवैध तरीके से बनाए गए बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। इस काम में मशीन की मदद ली गई, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया ताकि कोई हंगामा ना हो सके। पुलिस ने सभी बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा किया। इस गैंग के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है और भी पता किया जा रहा है, और सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करके अवैध तरीके से अर्जित की गई धन से बनाई गई प्रॉपर्टी को दूर किया जाएगा। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने एक बैठक की। बैठक के बाद सीएम योगी ने राज्य के डीजीपी को टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट की समीक्षा करने के निर्देश दिए। यही नहीं, सीएम योगी ने बड़े अपराधियों को लिस्ट में रखने के आदेश भी दिए, साथ ही गैंगस्टर के आरोपियों की संपत्ति को सीज करने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने डीजीपी के लिए नए निर्देश दिए हैं, जिसके हिसाब से कानून व्यवस्था पर यह अहम बैठक हुई और इसमें यह कहा गया कि बहुत महत्वपूर्ण है उन अपराधियों की लिस्ट बनाई जाए, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। विकास दुबे, इस वक्त इस नाम की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है, क्योंकि इसी मोस्ट वांटेड विकास दुबे की वजह से यूपी पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की पुलिस तेजी से तलाश में जुटी है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मुठभेड़ की कहानी में रहस्यों के पन्ने बढ़ते जा रहे हैं और नए किरदार सामने आते जा रहे हैं। नहीं मालूम है, मैं जिन लोगों को मालूम हो उनसे जाके पूछ ले, हम कुछ भी नहीं जानते। ये उस जघन्य वारदात का बदला है जिसे कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने अंजाम दिया। एक ऐसा हिस्ट्री शीटर जिसने अपने काले कारनामों से बड़ा साम्राज्य, बड़ा किला खड़ा किया था, लेकिन आज उस किले को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मैं इस वक्त कानपुर के
बिकरू गांव में हूं और बिकरू गांव का ये वही घर है जहां से पुलिस पार्टी पर एक दिन पहले ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए थे और उतने ही पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन आज विकास दुबे पुलिस के हाथ अब तक नहीं आया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई बहुत बड़ी की जा रही है, वो कार्रवाई जिसने उसके उस पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। विकास दुबे के अपराध की लंका को ढाह दिया गया। अपराध की जिस काली दुनिया में दाखिल होकर उसने ये पक्की इमारत बनवाई थी, उसे पल भर में धराशाही कर दिया गया। यूपी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही एक ऐसी बड़ी कार्रवाई इस हिस्ट्री शीटर के खिलाफ की है, जिसके बाद ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे के खिलाफ पुलिस में कितना गुस्सा भरा हुआ है। ये बिकरू गांव का वही मकान है जहां विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दिया जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। पूरा किला जो है उसका धराशायी कर दिया गया है। ये जो लास्ट बिल्डिंग है ये पहले भी गिराई जा चुकी थी, अब इसका बचा हुआ हिस्सा गिराया जा रहा है। इसके अलावा पूरे घर का जो पूरा बड़ा एक प्रीमाइजेस है वो सब अब गिराया जा चुका है, सिर्फ यही एक हिस्सा बचा है जिसे अब गिराया जाना बाकी है। और बहुत मजबूती से इसे विकास दुबे ने बनाया है क्योंकि यहीं पर उसकी वो चीज़ें यहाँ पर जो क्राइम से जुड़ी हुई थी, चाहे वो आपराधिक गतिविधि के लोगों से मिलना होता था या उसका जो पूरा कारोबार होता था क्राइम का, वो सब इधर ही से चलता था ये कहा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वो कौन है जिसने विकास दुबे को इस बात की जानकारी दी कि पुलिस उसके ठिकाने पर दबिश देने आ रही है। इस पूरी कहानी में जितना बड़ा किरदार विकास दुबे का है, लगभग उतना ही अहम किरदार है उस शख्स का जिसने इस पूरी वारदात में एक मुखबिर का काम किया। दुर्दांत विकास दुबे ने जिस वारदात को अंजाम दिया, उसकी परतों को टटोलने में अब एक के बाद एक नई बातें सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि गुरुवार देर रात थाने से फोन करके बिकरू गांव की बिजली कटवाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में लाइनमैन समेत जूनियर इंजीनियर को भी हिरासत में ले लिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विकास दुबे और उसके साथी न सिर्फ पुलिस से बचकर भाग सके बल्कि पुलिस को अपनी गोलियों का शिकार बना सके। इतना ही नहीं, जांच की कड़ियां जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौबेपुर पुलिस थाने की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि विकास दुबे की कॉल डिटेल में कई पुलिस वालों के नंबर मिले हैं। शक के घेरे में एक दारोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड है। इस मामले में अब तक 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। विकास दुबे को करीब से जानने वाले हर शख्स का वारदात से कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है। विकास दुबे के घर पर काम करने वाली मेड से भी पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, शक की सुई जिन चेहरों के इर्द गिर्द इस वक्त घूम रही है उन्हीं में से एक चेहरा है विनय तिवारी का, क्योंकि जिस बिकरू गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया वो चौबेपुर के अंदर ही आता है और उस थाने की जिम्मेदारी भी विनय तिवारी के ही कंधों पर थी। विनय तिवारी पर आरोप है कि उन्हीं की वजह से विकास दुबे तक इस बात की जानकारी पहुंची कि पुलिस घर पर दबिश देने वाली है। हालांकि विनय तिवारी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। ये उस अपराधी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ उसी के लोग इस तरीके की अफवाह उड़ा रहे हैं, बाकी ऐसा ये सब बिल्कुल निराधार। इतना ही नहीं, विनय तिवारी पर यह भी आरोप है कि जिस चौबेपुर थाने में विकास दुबे पर कई मामले दर्ज हैं, उसी थाने में विकास दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल विनय तिवारी वही शख्स है जो गुरुवार रात को बिकरू गांव में हुई वारदात के वक्त ऑपरेशन वाली टीम में शामिल थे। आइए आपको उन्हीं के शब्दों में सुनवाते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उस रात क्या हुआ था सर, उस रात जो आप लोग गए थे यहाँ से? एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था इसके खिलाफ 307 364 और 7 CLA में, उसी की गिरफ्तारी के संबंध में यहाँ से टीम बनाकर नेतृत्व में CO बिल्लौर साहब के हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लिए गए थे। लेकिन पुलिस को ये अंदाज़ा कतई नहीं था कि वो गोली चला देगा और पुलिस इस तैयारी से नहीं गई थी कि वहाँ गोली चल जाएगी।
पुलिस उसको केवल गिरफ्तार करने गई थी और अचानक हुई फायरिंग में हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। जिस तरीके से पुलिसिंग दबिश देती है वैसे ही दबिश दी गई थी उसमें आवाज़ और ये सब। तो DSP साहब गए थे तो 50 से 60 पुलिसकर्मी आप लोग गए थे और बड़ी एक रेड पार्टी होनी थी और रेड मारने के लिए पूरा प्लान किया गया था, तो कहाँ पर चूक लगी आपको? क्या लाइफ जैकेट्स वगैरह भी थी आप लोगों के पास उस वक्त या नहीं? पुलिस वहाँ गोली चलाने नहीं गई थी, पुलिस केवल दबिश देने केवल उसकी धरपकड़ के लिए गई। विनय तिवारी पर यह भी आरोप है कि जिस वक्त विकास दुबे के गैंग और पुलिस वालों के बीच मुठभेड़ हो रही थी उस वक्त विनय तिवारी सबसे पीछे चल रहे थे। तिवारी जी, ये भी कहा जा रहा था कि आप सबसे पीछे चल रहे थे, क्या ऐसा सच है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? हाँ, आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? क्योंकि आपके थाना वर्दी पहनने वाला कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है? मेरे थाना क्षेत्र का मामला, मैंने सारी पुलिस पार्टी को यहाँ जो है CO साहब के निर्देशन में एकत्रित किया और मैं सबसे पीछे चलूंगा। विनय तिवारी पर शक की सुई इसलिए भी घूम रही है क्योंकि बिकरू गांव और विकास दुबे के घर की भौगोलिक जानकारी होते हुए भी एक ही रास्ते से जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जबकि पुलिस चाहती तो तीन अलग अलग रास्तों से विकास दुबे को घेर सकती थी। उस पर बराबर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही थी और उसके अभी वो कुछ दिनों पहले ही जेल से छूट के आया था और जब वो फिर से इस तरीके की संगीन घटनाओं में लिप्त हो गया तो फिर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस ने ऐसा क्या क्या गलती होगी सर, क्योंकि एक ही रास्ते से गए, तीन अलग अलग रास्ते से जाके दबोच सकते थी पुलिस पार्टियां। नहीं, आपने उसका घर देखा होगा जी, उसको जो भी टैक्टिक्स है उसी हिसाब से काम किया गया था, उसमें कोई चूक नहीं है। विकास दुबे और उसके गुर्गे उस रोज पुलिस पर किस कदर भारी पड़े इस बात का अंदाजा मौके वारदात से बरामद हुए हथियारों से लगाया जा सकता है। वारदात की रात पुलिस पार्टी पर राइफलों से ज्यादा गोलियां चलाई गईं। मौके वारदात से जांच टीम को 50 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए हैं। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को AK-47 की गोलियां भी बरामद हुई हैं। गोलियां मिली हैं, कार्टेज मिले हैं, खोखे मिले हैं, हर तरह के खोखे हैं, 30-06 के हैं, AK-47 के हैं, बाकी जो है 12 बोर के हैं, देसी 12 बोर के भरवा कारतूस हैं, तो कई तरह के कारतूस हैं, कई तरह के कट्टे वगैरह मिले हुए हैं, ये सब तो इनकी जाँच होनी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। कानपुर के बिकरू गांव के ही एक शख्स ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर जानलेवा हमला करने की FIR दर्ज कराई थी, लिहाजा विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए रात के 1 बजे के करीब स्थानीय पुलिस दबिश देने उसके घर पहुंची। लेकिन विकास दुबे की मौके पर पहुंचे SO से कहा सुनी हो गई और उसके गुर्गे पुलिस टीम से हाथापाई पर आमादा हो गए। इसके बाद SO ने आनंद फानंद, CO बिलहौर, देवेंद्र कुमार को सूचना देकर और पुलिस फोर्स भेजने की मांग की। सूचना मिलते ही खुद CO बिलहौर 4 थानों की पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए, लेकिन विकास दुबे ने पुलिस का रास्ता रोकने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने अपने घर के ठीक सामने के रास्ते पर खुदाई करने वाली मशीन खड़ी कर दी थी और गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गे आसपास बने घरों की छत पर चढ़ गए। फिर जैसे ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने विकास के घर को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू की, वैसे ही कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने अपने किले नुमा बने मकान से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस वाले बुरी तरह से घिर चुके थे और विकास दुबे की गैंग में शामिल बदमाश अत्याधुनिक हथियारों से उन पर गोलियां बरसा रहे थे। पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ करीब 1.5 घंटे तक चलते रही, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के कानपुर देहात में पुलिस की टीम जिस विकास दुबे को पकड़ने गई थी उसे शिवली का डॉन कहा जाता है। शिवली वहां एक छोटा सा कस्बा है, करीब 14-15 हजार की आबादी वाला, जहां विकास दुबे और उसकी गैंग की दहशत 30 साल से थी। विकास दुबे कानपुर और आसपास के इलाकों में राजनीति के उसी अपराधीकरण का विस्तार था जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश से हुई थी। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला कर 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का जुर्म की दुनिया में अपना नाम है। शिवली के डॉन के नाम से विकास दुबे को ख्यात है, तो बचपन से ही वो अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। पहले उसने गैंग बनाया, फिर लूट डकैती और हत्याएं करने लगा। यही नहीं, 19 साल पहले उस पर थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या करने का आरोप भी लगा। इसके बाद उसने राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विकास कई बार गिरफ्तार हुआ, एक बार तो लखनऊ में एसटीएफ ने उसे दबोचा भी था। कानपुर देहात के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव के रहने वाले विकास के बारे में बताया जाता है कि उसने युवाओं की फौज तैयार कर रखी है। वो कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात तक लूट डकैती और मर्डर जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देता रहा है। कानपुर में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में इसे उम्र कैद भी हुई थी। विकास कितना शातिर अपराधी है, इसका पता इसी से लगाया जा सकता है कि उसने पुलिस को रोकने के लिए और उसकी घेराबंदी करने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा था। उसने पूरा जाल बिछा रखा था। यही नहीं, कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि विकास को करीब 50 से ज्यादा पुलिस वालों के आने की खबर पहले ही लग चुकी थी, जो कहीं ना कहीं ये साबित भी करता है कि इस बदमाश की पहुंच ऊपर तक है। इस समय विकास दुबे के खिलाफ 60 से ज्यादा मामले यूपी के कई जिलों में चल रहे हैं। पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम रखा हुआ था। हत्या और हत्या की कोशिश में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, तो फिलहाल लखनऊ के कृष्णा नगर में उसके घर पर पुलिस ने दबिश दी, जहां कुछ दिनों पहले विकास दुबे रह रहा था। करो तो मत डालो जाए उनका, और जहाँ में रहता मारा सब लड़का बिटिया उनके मरिया है, तो करें दुर्गा मैया जो दूसरे की आत्मा दुखी है, जिसने किया है उसे फल मिल रहा है। हम तो सभी रो ही रहे, क्या कर रहे। इससे पहले विकास दुबे पुलिस से बचने के लिए लखनऊ स्थित अपने इसी घर में छिपा करता था, तो कुछ समय पहले ही एसटीएफ ने उसे कृष्णा नगर से गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। लेकिन किसे पता था कि जेल से निकलने के बाद वो इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम देगा। चीन की चाल में फंसने से नेपाल भौगोलिक ही नहीं राजनीतिक नक्शा भी बदल गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पहले चीन के इशारे पर नेपाल का नया नक्शा जारी किया, अब पार्टी के नेता ओली का इस्तीफा मांग रहे हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने ओली को पीएम पद से हटाने की कोशिश में लगी है, तो ओली एक बार फिर चीन के इशारे पर नेपाल के नियम कानून बदलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। अब इस नए राजनीतिक और संवैधानिक संकट से नेपाल में सियासी भूकंप आ गया है। बरस से नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी का नाता रहा है, लेकिन अब इस नाते के बीच आकर खड़ी हो गई है चीन की दीवार। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सत्ता बचाए रखने के लालच में चीन के फंदे में पूरी तरह फंस चुके हैं, और इसी वजह से उन्होंने चीन के इशारे पर नेपाल का नया नक्शा जारी करके भारत के 3 इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया है। लेकिन
लेकिन अब इसी नक्शे के कारण उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ओली के भारत विरोधी रुख की वजह से उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आमने सामने हो गए हैं। नेपाल में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच अब तक कोई समझौता नहीं हो सका है। 3 जून की शाम प्रचंड और ओली की बैठक हुई और ये 3 घंटे तक चली। इस बैठक में भी दोनों नेताओं के बीच समझौता नहीं हुआ। पीएम और पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद प्रचंड ने 2 दिन के लिए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक टाल दी है। इससे पहले पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के 44 में से 30 लोगों ने ओली से इस्तीफा मांगा था। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में ओली के इस्तीफे की मांग तेज होने लगी है। पार्टी में सिर्फ उनके प्रधानमंत्री पद को लेकर ही आपत्ति नहीं है, बल्कि एक साथ उनके दो दो पदों पर यानी पीएम और पार्टी अध्यक्ष पद पर काबिज रहने को लेकर भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता खफा हैं। नेपाल के राजनीतिक दलों में चीन पर वर्तमान सरकार की बढ़ती निर्भरता से नाराजगी है और उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पर ही इस पूरी घटनाक्रम को देखा जाना चाहिए। अपनी कुर्सी पर मंडराता खतरा देखने के बाद केपी शर्मा ओली सत्ता बचाने की जुगत में जुट गए हैं। भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब नया पैतरा चलने वाले हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अगर ओली के खिलाफ कोई बड़ा फैसला करती है तो वो पार्टी विभाजन के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये काम आसानी से हो पाए इसके लिए ओली नेपाल के कुछ कानूनों में बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। ओली कैबिनेट में दल विभाजन अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी नेपाल के कानून के मुताबिक दल विभाजन यानी पार्टी तोड़ने के लिए 40% संसद सदस्य और पार्टी केंद्रीय समिति के 40% सदस्यों का समर्थन जरूरी है। नए अध्यादेश में ओली इस नियम को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। नया अध्यादेश पारित होता है तो दोनों में से कोई एक समर्थन यानी या तो 40% संसद सदस्य या फिर 40% पार्टी केंद्रीय समिति के सदस्यों का समर्थन मिल जाए तो पार्टी को तोड़ा जा सकता है। नया अध्यादेश लागू होने के बाद सरकार बचाने के लिए उन्हें सिर्फ 30% सांसदों का समर्थन दिखाना होगा। फिलहाल ओली के समर्थन में 40% सांसद हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए ओली के पास यही एकमात्र रास्ता है। नया विभाजन अध्यादेश लागू होने और पार्टी तोड़ने के बाद अगर उन्हें विपक्षी दलों का समर्थन मिलता है तो वो पीएम बने रह सकते हैं। समर्थन हासिल करने के लिए ओली नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के संपर्क में है। हालांकि पूर्व पीएम प्रचंड ने भी राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की और पार्टी तोड़ने वाले अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील की है। प्रचंड का कहना है कि नेपाल में नए अध्यादेश से एक गंभीर राजनीतिक और संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। चीन नहीं चाहता कि ओली की सरकार गिरे, क्योंकि ओली वही कर रहे हैं जो चीन से उन्हें आदेश दिए जा रहे हैं। इसलिए चीन ओली की हर संभव मदद कर रहा है। ओली ने नेपाल का नया नक्शा भी चीन के इशारे पर ही जारी किया है। उनके हर कदम के पीछे नेपाल में मौजूद चीन के राजदूत की अहम भूमिका है। नेपाल की सत्ता के गलियारों में चीन की दखलअंदाजी बात अब आम हो चुकी है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि चीन ने भारत को नुकसान पहुंचाने की गरज से ही नेपाल और भारत के रिश्तों में दरार डालने की साजिश रची और चीन के इस साजिश को अंजाम पहुंचाने की कोशिश में उसका हथियार बनी नेपाल में चीन की ही महिला राजनयिक
माना जा रहा है कि इसी महिला राजनयिक की वजह से नेपाल में सियासी घमासान भी शुरू हुआ है। भारत नेपाल के रिश्तों में दरार का सच। नेपाल की सियासत में चीन की दखल अंदाजी। सियासी बिसात पर चीनी राजदूत का खेल। नेपाल में चीन की डर्टी पिक्चर। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत देश। नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का देश। नेपाल दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जो चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से ही घिरा हुआ है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश भी है, लेकिन इसी खूबसूरत नेपाल को बस कुछ ही बरसों पहले एक ग्रहण लग गया था। ग्रहण उस साजिश का जिस दिन से चीन की बदनीयती ने नेपाल की सियासत में अपने पांव पसारने शुरू किए थे। ये ग्रहण नेपाल पर उस वक्त गहराता चला गया जब राजनीति और कूटनीति की सियासी शतरंज की बिसात पर चीन ने भारत को नुकसान पहुंचाने की गरज से नेपाल में अपना बेस बनाना शुरू किया। और मीडिया में आ रही खबरों पर यकीन करें तो नेपाल में ये खेल उस वक्त शुरू हुआ जब चीन ने 2018 में नेपाल में अपनी नई राजदूत हाओ यांकी को भेजा। 2018 में नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी ने कदम रखते ही ऐसा कूटनीतिक खेल शुरू किया कि 2020 आते आते भारत और नेपाल के रिश्तों में तनाव आ गया। ये तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हिंदुस्तान पर उनकी सरकार गिराने का आरोप लगा दिया। खुफिया जानकार कहते हैं कि ओली के इन बयानों की सूत्रधार हाओ यांकी ही हैं और उन्हीं के इशारे पर ओली लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दरअसल भारत और नेपाल के बीच विवाद गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हुए सीमा विवाद के दौरान शुरू हुआ। उस दौरान नेपाल ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के कालापानी और लिपुलेख इलाकों को अपने नए नक्शे में शामिल कर बेवजह एक विवाद को खड़ा कर दिया था। लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस विवाद की असल वजह कोई और नहीं बल्कि नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी ही थी। चीनी राजदूत ने ही प्रधानमंत्री ओली को नेपाल का नया नक्शा परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया। यानी नेपाल जो भारत के कालापानी और लिपुलेख को अपने नक्शे में दिखा रहा है उसके पीछे चीनी राजदूत की ही कूटनीति और दिमाग काम कर रहा है। भारत और नेपाल के संबंधों में जो भी दुविधा आई है, जो भी खटास पैदा हुई है, जो समस्या आई है, इसके लिए खुले रूप से केवल और केवल चीन जिम्मेदार है। अगर हम हाल की घटनाओं को नोटिस में लेते हैं तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि नेपाल में जो चीन की राजदूत हैं हाओ यांकी, उनकी सक्रिय भूमिका इन सारे कार्यकलापों के बीच दिखाई पड़ती है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नेपाल में चीनी राजदूत हाओ यांकी ने ही नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे को बदलने की साजिश की बुनियाद रखी और इसके पीछे उनका एक ही मकसद था और वो ये कि किसी भी कीमत पर भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार आ जाए। कमाल देखिए, चीन की महिला राजनयिक की रची ये साजिश कुछ हद तक कामयाब भी हो गई। हैरानी तो इस बात की है कि चीन के राजदूत नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के कामकाज में भी अच्छा खासा दखल रखती हैं। हाओ यांकी 2018 से नेपाल में चीन के राजदूत के तौर पर काम कर रही हैं। हाओ यांकी ने नेपाल की दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को एकजुट करवाने में अहम किरदार निभाया था। हाओ यांकी 1996 से चीन के विदेश विभाग में काम कर रही हैं। वो दक्षिण एशिया मामलों में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर काम कर चुकी हैं।
इसके अलावा हाउ यांकी लॉस एंजलिस में चीन की कॉन्सुलेट जर्नल भी रह चुकी हैं। नेपाल आने से पहले हाउ यांकी पाकिस्तान में भी चीन की राजदूत रह चुकी हैं। अगर हम चीनी राजदूत जो कि नेपाल में मौजूद हैं उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हैं तो उन्होंने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सुप्रीम बॉडी की जो बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री ओली साहब को इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला गया, ये क्राइसिस था जिसको मैनेज करने के लिए याओ हांकी सक्रिय रूप से सामने आई। कमाल देखी, चीन की एक महिला राजदूत ने नेपाल में बैठकर भारत के खिलाफ एक शातिराना साजिश की बुनियाद रखी और उसे अंजाम तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश भी की। जानकारों का मानना है कि नेपाल में जो सियासी कोहराम मचा हुआ है उसके पीछे की असल वजह कोई और नहीं बल्कि हाउ यांकी ही है और आलम यह है कि उनकी रची साजिश में उलझकर नेपाल अपने बरसों पुराने दोस्त भारत से अपने रिश्ते खराब करने पर तुला हुआ है।